अब हर दौर में रहे शिर्क व बिदअत कहने वाले मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, न मिटेगा कभी, आग हो जाए अदू जल कर मगर जब तक दम है उनका सुनाते हजरत सुलेमान आला नबीना वालिमुस्सलातु तस्लीम ने फरमाया है कोई जो मलका बिल्कीस का तख्त ला दे। सुन लीजिए और हाँ है कोई, हालांकि नबी का ताल्लुक डायरेक्ट खुदा से होता है, खुदा से लेता है, बंदों को देता है। जहन सफा कर ले, वहाबी देवबंदी ये कहते हैं जो मांगना है खुदा से मांग, अरे कमबख्त ये अल्लाह वाले, जो मांगो इनसे मांगो, अल्लाह अल्लाह। वो चंदा है जो मांगते हो बंदों से, क्या वो नहीं मिलता खुदा से? चंदा क्यों मांगते हो? अल्लाह तो सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम तस्लीम ने फरमाया कोई है जो सैकड़ों मील दूरी पर और सात महल में मुकफल। तो हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम तस्लीम ने जब कहा तो एक जिन था तो उसने कहा मैं ला दूंगा। पूछा कितनी देर में? कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले। दरबार बर्खास्त होने से पहले तो आपने फरमाया मुझे इससे पहले चाहिए, मुझे इससे पहले चाहिए। अब आप जी गौर करेंगे, नबी का ताल्लुक खुदा से होता, खुदा से कहता है और तख्त आ जाता, मगर वो बंदों से कह रहा। तो जिन ने कहा मैं दरबार बर्खास्त, फरमाया मुझे इससे पहले चाहिए, कुरान शरीफ है। हाँ ये मत कह देना बरेली शरीफ की किताब सुना के चले गए, जो कुरान शरीफ है आला हजरत ने वही बताया जो कुरान में है। अल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, जो वली हैं, जो वली है उनका हुजूर मैं ला दूंगा, मैं ला दूंगा। हमारे नबी सबे नबियों के इमाम है और ये सुलेमान। तो आपने फरमाया कितनी देर में ला दोगे, कितनी देर में ला दोगे? तो आपने अर्ज किया हुजूर कबला आई यर्तद्दा इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले। नारे तकबीर, नारे निसाला, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। शहर शहर गली गली, गली 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 गली, शहर गली गली, गली 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 गली। अल्लाह अल्लाह। अब सवाल पैदा होता है प्यारे नबी, खुदा से आप कह देते तख्त आ जाता, आप वली से कह रहे हैं, नबी वली से कह रहा, तो उनकी रहमतों ने जवाब दिया वो कौम आ रही है जब वलियों से मांगेगी तो लोग उसे शिर्क कहेंगे, लोग उसे बिदअत कहेंगे, देवबंदी वहाबी। लिहाजा जब कुरान शरीफ देखेंगे कि नबी ने वली से कहा, नबी ने वली, जब नबी होकर वली से मांग सकता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बंदे होकर क्यों ना बने? इसको ज़हन में रखना चाहिए। और फरमाते मुफस्सिरीन किराम जब ये नबी है इनके वली की ये ताकत है और ये तो इमामुल अंबिया के उम्मत के वली हैं, तो सारे नबियों से अफजलो आला, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, उनकी उम्मत के वली हैं, फिर इनकी ताकत का आलम क्या? हजरत याकूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम की बिनाई जाती रही, बिनाई सब देने वाला खुदा है मगर खुदा ने वसीला बना दिया। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। तो हजरत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम ने सुनो
उन्होंने अब अल्लाह अल्लाह तुम दो दिन कुर्ता पहने तो बदबू आए, तुम्हारे पास बैठना दुश्वार हो जाए। और सुभान अल्लाह उन्होंने अपनी कमीज दे दी, ले जाओ कमीज गई। सुभान अल्लाह तुम पहने तो बदबू आए, नबी नहीं गए, नबी से निस्बत होने वाली कमीज गई है, ये कुरान पाक है। अंधे देख अल्लाह अल्लाह फरतद्दा बसीरा, जैसे ही कमीज आंखों पे रखी फौरन आके रोशन। आपके कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ अंधे, नबी नहीं गए, जो रोग जो पैरहन पहना वो भेज दिया, जब उनका पैरहन शिफा दे रहा। अभी तो उन्हीं के प्यारे हैं, ये शिफा दे रहा है तो मरे क्यों जा रहे हो? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मांगेंगे सरकार में लाना है, नहाज अगर किया नमाज पढ़ेंगे, फिर मुलाकात बाद में होगी। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई आगे बढ़ो, चलो हजरत आए, चलो आगे बढ़ो।